बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द बायलिश वर्ल्ड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का चैप्टर चल रहा है। होम्योस्टेसिस में हमने तीन मेन जो है ना वो चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें से फर्स्टली हम ऑस्मो रेगुलेशन को एक्सप्लेन कर चुके हैं, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी। एक्सक्रीशन को हमने डिस्कस कर लिया है प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ थर्मो रेगुलेशन। सो हम जो हैं वो अब थर्मो रेगुलेशन, वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। सो जैसे हमने ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट्स में डिस्कस की थी, एक्सक्रीशन प्लांट्स में डिस्कस की थी, बिल्कुल इसी तरह हमने जो है वो थर्मो रेगुलेशन भी प्लांट्स से स्टार्ट करनी है। सो आज का जो हमारा फर्दर थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स का सब टॉपिक है वो है जी अडॉप्टेशंस, मतलब प्लांट्स के अंदर जो स्ट्रेटजीज पाई जाती हैं, जो तरीके पाए जाते हैं इन प्लांट्स पौधों में टू लो एंड हाई टेम्परेचर। तो प्लांट्स जो हैं वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज और अडॉप्टेशंस शो करते हैं जब वो लो टेम्परेचर को फेस करें और जब वो हाई टेम्परेचर को फेस करें। सो हमने जो है ना वो इसमें सर्दी और गर्मी दोनों एनवायरनमेंट डिस्कस करने हैं प्लांट्स के अंदर। सो सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करते हैं अडॉप्टेशंस इन प्लांट्स टू लो टेम्परेचर। आपकी बुक में जो है ना वो पहले हाई टेम्परेचर डिस्कस किया हुआ है, सो हम उसके मुताबिक जो है वो डिस्कस कर लेते हैं एंड अडॉप्टेशंस इन प्लांट्स टू हाई टेम्परेचर, ताकि बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज ना हो। सो हम पहले हाई टेम्परेचर ही डिस्कस कर लेते हैं। जब गर्मी है, जब टेम्परेचर ज़्यादा है, 40 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45 तक भी चला जाता है गर्मियों में। सो प्लांट्स के पास जो हैं वो कौन सी अडॉप्टेशंस पाई जाती हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज पाई जाती हैं जिनको वो इस्तेमाल करके इस हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। सो थर्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन ही ये है। थर्मो रेगुलेशन मीन्स टॉलरेंस ऑफ टेम्परेचर टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट। जी सो जब हमने प्लांट्स को देखना है, हमने ये देखना है कि प्लांट्स थर्मो रेगुलेशन में किस तरह से जो है ना वो अपने अंदर टॉलरेबल स्ट्रेटजीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने अंदर टॉलरेबल स्ट्रेटजीज को शो कर रहे हैं, ताकि वो इस हाई टेम्परेचर को क्या कर सकें, बियर कर सकें, इसको टॉलरेट कर सकें, इसको फेस कर सकें। सो सबसे पहली स्ट्रेटजी जो है वो बिल्कुल सिंपल है, दैट इज़ इवेपोरेटिव कूलिंग। पौधे जो हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन करते हैं। ट्रांसपायरेशन इज़ इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर मेनली थ्रू स्टोमेटा। ज़्यादातर ये ट्रांसपायरेशन कहाँ से होती है, स्टोमेटा से होती है। वैसे ये ट्रांसपायरेशन लेंटिक्यूलर भी हो सकती है थ्रू लेंटिसेल्स, और ये क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन भी हो सकती है बाय यूजिंग क्यूटिकल ऑफ द लीव्स एज वेल एज ग्रीन स्टेम, यंग स्टेम्स। लेकिन ज़्यादातर ट्रांसपायरेशन किसके थ्रू होती है, स्टोमेटा के थ्रू। तो जब भी इवेपोरेशन होगी तो प्लांट्स को क्या मिलेगा, कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। यही मेथड हमारे इंसानों के पास भी है कि जब स्वेटिंग करते हैं, पसीना प्रोड्यूस करते हैं, इवेपोरेटिव कूलिंग जो है वो हमें महसूस होती है। दूसरी स्ट्रेटजी जो कि प्लांट्स के पास है वो ये है कि दे कैन क्लोज देयर स्टोमेटा। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जब बहुत ज़्यादा ड्राई
और हार्श कंडीशंस होती हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं ताकि ना ज़्यादा वाटर लॉस हो उन्हें और ना ही जो है वो उन्हें डेजिकेशन का मसला हो, ना ही वो डैमेज हो। सो दूसरी स्ट्रेटजी जो इनके पास ये है, आसान सी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि जब गर्मी ज़्यादा होती है तो प्लांट्स अपने स्टोमेटा बंद करके अपनी एक्टिविटीज़ कुछ टाइम के लिए स्लो डाउन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे दोपहर के टाइम 12 बजे जब सूरज बिल्कुल सर पे होता है ना गर्मियों में, तो आपने देखा होगा कि लीव्स जो हैं वो स्लीपिंग स्टेट में चले जाते हैं, मतलब वो ऐसे आपको खिले हुए नज़र नहीं आते, वो ऐसे मुरझाए हुए नज़र आते हैं। हम कहते हैं कि पौधे जो हैं वो सो रहे हैं। सो उस टाइम पे प्लांट्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी से बचने के लिए, अपने पानी को कंजर्व करने के लिए अपने स्टोमेटा ही बंद कर लेते हैं ताकि ना ज़्यादा पानी बाहर जाए और ना ही उनको प्रॉब्लम हो, ना उनको जो है ना वो टेम्परेचर का इशू हो, ना उनको जो है वो पानी का इशू हो। सो दूसरा तरीका गर्मी से बचने का क्या है कि वो अपना पानी अपने पास रखते हैं और अपने स्टोमेटा जो है वो बंद कर लेते हैं। और तीसरी स्ट्रेटजी जो कि टेम्परेट रीजन्स के प्लांट्स के लिए हैं, टेम्परेट रीजन्स जहाँ पे चार मौसम पाए जाते हैं, गर्मी, सर्दी, खजां, बहार, और टेम्परेचर जो है वो तकरीबन गर्मियों का कितना होता है जी, 40 डिग्री सेल्सियस ज़्यादातर होता है, वो तो जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर 43, 44, 45 होता है, ये नॉर्मल गर्मी का टेम्परेचर है, दैट इज़ 40 डिग्री सेल्सियस। सो ऐसे प्लांट्स जो टेम्परेट रीजन्स में रहते हैं विच हैव टू फेस 40 डिग्री सेल्सियस, वो क्या करते हैं अपनी बॉडी में स्ट्रैटेजी शो, वो करते हैं जी हीट शॉक प्रोटीन्स फॉर्मेशन। सो ये क्या करते हैं, ये हीट शॉक प्रोटीन्स बनाते हैं। हीट शॉक प्रोटीन्स ऐसी स्पेशल प्रोटीन्स हैं जो कि प्लांट्स के एंजाइम्स को डैमेज नहीं होने देती। देखें जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना प्लांट्स का, तो सबसे पहले जो चीज़ डैमेज होती है वो उनके एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हाई टेम्परेचर जो है वो किसको डैमेज करता है, एंजाइम्स को, और जब एंजाइम्स डैमेज हो जाएं तो फिर आगे क्या चीज़ इफ़ेक्ट होती है, मेटाबॉलिज्म, प्लांट की एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो जाती हैं, एंजाइम्स डैमेज हो गए। तो प्लांट्स क्या करते हैं, इन एंजाइम्स को डीनेचुरेशन से बचाने के लिए, एंजाइम्स को जब भी ज़्यादा हीट दी जाए तो उसके अमीनो एसिड्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डीनेचुरेशन। ये फर्स्ट ईयर के सेकेंड चैप्टर में, बायोलॉजिकल नहीं, थर्ड चैप्टर में जो है वो एंजाइम्स जो है वो डिस्कस किए हुए हैं, जिसमें डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स भी है। सो हीट शॉक प्रोटीन्स हमारे पास ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि एंजाइम को, सपोज करें ये ब्लैक जो है ये एंजाइम है, ये एंजाइम को क्या करती हैं, एम्ब्रेस कर लेती हैं, इनको कवर कर लेती हैं, ठीक है। जैसे किसी को गले लगा लेते हैं, जैसे किसी को जप्फी डाल लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो है ना ये क्या करती हैं, एंजाइम्स को एम्ब्रेस कर लेती हैं। सो ये जो रेड वाला शो किया है ये क्या है, हीट शॉक प्रोटीन्स जो कि क्या करती हैं, एंजाइम्स को। ये ब्लैक वाले क्या हैं, एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स को क्या कर लेती हैं, एम्ब्रेस कर लेती हैं, कवर कर लेती हैं। तो फिर जितनी भी गर्मी हो जाए एंजाइम्स डीनेचर नहीं होते, और जैसे ही फिर टेम्परेचर जो है वो सूटेबल होता है, फेवरेबल होता है, तो ये हीट शॉक प्रोटीन्स यहाँ से रिमूव हो जाती हैं और एंजाइम्स जो हैं वो वैसे के वैसे दोबारा अवेलेबल हो जाते हैं फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर एक्टिविटीज़, देयर केमिकल रिएक्शंस, देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, सारी एक्टिविटीज़ वो दोबारा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हीट शॉक प्रोटीन्स ने क्या किया, एंजाइम्स को और दूसरी फंक्शनल प्रोटीन्स को डीनेचर होने से बचाया। हालांकि ये खुद भी प्रोटीन्स हैं बट दे आर हीट शॉक प्रोटीन्स, वो हीट को एब्जॉर्ब करके भी ब्रेक डाउन नहीं होती, उनको कुछ नहीं होता। सो ये प्लांट्स के उन सेंसिटिव एंजाइम्स को और दूसरी प्रोटीन्स को, हॉर्मोन्स को डीनेचुरेशन से बचाने के लिए उनको एम्ब्रेस कर लेती हैं, उनको कवर कर लेती हैं। सो ये थ्री स्ट्रेटजीज थी जी किसके बारे में, हाई टेम्परेचर को फेस करने के लिए। एक क्या है, इवेपोरेशन करके कूलिंग लो, दूसरा क्या है, अपने स्टोमेटा क्लोज कर लें ताकि टेम्परेचर से जो है वो बचा जा सके, एक्टिविटी स्टॉप कर ली जाए, और तीसरा क्या है जी, प्रोडक्शन ऑफ हीट शॉक प्रोटीन्स टू प्रिवेंट द एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स फ्रॉम डीनेचुरेशन। सो ये जो है वो इजी सा टॉपिक किसका था, अडॉप्टेशंस ऑफ प्लांट्स टू हाई टेम्परेचर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रेटजीज और अडॉप्टेशंस टूवर्ड्स द लो टेम्परेचर। सो सबसे पहली जो है वो हमारे पास अडॉप्टेशन क्या है जी, देखें सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक हमारे पास लिपिड्स की दो लेयर्स हैं,
जिनमें मोज़ेक मैनर में प्रोटीन्स अरेंज्ड हैं। सो एक लिपिड्स की लेयर जो है वो ऊपर है, एक लिपिड्स की लेयर जो है वो नीचे है, और उसके अंदर मोज़ेक मैनर में प्रोटीन्स लगी हुई हैं। सो ये देखें लिपिड्स की जो है ना वो हम ऐसे डायग्राम शो करते हैं। ये दो चेन्स फैटी एसिड्स की हैं जिनको नीचे ये ऐसे शो कर रही हूँ मैं लाइन्स की फॉर्म में। सो देखें फैटी एसिड्स, लिपिड्स आर मेड अप ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, लिपिड्स आर मेड अप ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो हमारे पास लिपिड्स जो हैं उनमें दो तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, एक कौन से सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और एक कौन से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स से बने हुए लिपिड्स ज़्यादातर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, और अनसैचुरेटेड वाले फैटी एसिड्स क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। देखें जो सॉलिड है जैसे हम एग्जांपल दे लेते हैं घी की, और जो लिक्विड है जैसे हम एग्जांपल दे लेते हैं ऑयल की। घी जो है ना वो गर्मियों में मेल्ट हो जाता है, ऑयल की शक्ल अपना लेता है, लेकिन जैसे ही सर्दी आती है तो वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। लेकिन ऑयल जो है ना वो सर्दियों में भी ऑयल ही रहता है और गर्मियों में भी ऑयल ही रहता है, बिकॉज दिस ऑयल इज़ अ टाइप ऑफ लिपिड कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, एंड अ घी इज़ अ टाइप ऑफ फैटी एसिड कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो हमारे पास इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या हो जाते हैं, सर्दी से सॉलिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स नहीं होते, वो लिक्विड ही रहते हैं। सो प्लांट्स जो सबसे पहली अडॉप्टेशन शो करते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो वो अपनी मेम्ब्रेन्स में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बजाय क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कोई इतनी जल्दी तो हो नहीं जाता, मैजिक तो है नहीं जो मेम्ब्रेन में से सैचुरेटेड फैटी एसिड्स गायब हो गया अचानक से और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आ गए। सो दिस प्रोसेस रिक्वायर्स टाइम, और वो टाइम पौधों को अवेलेबल हो जाता है। देखें सर्दी आराम आराम से आती है, सर्दी जो है वो स्लोली 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 प्लांट्स को महसूस हो जाता है, उनकी बॉडी के मैकेनिज्म ये रियलाइज कर लेते हैं कि अब जो है वो आगे आगे क्या होने लगी है, सर्दी आने लगी है, टेम्परेचर लो होने लग गया है। सो वो क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को अनसैचुरेटेड के साथ रिप्लेस कर लेते हैं। लेकिन अगर बहुत तेज़ी से सडन चेंज आ जाए, सडन जो है वो सर्दी होने लग जाए, तो फिर ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जो कि ऐसा बहुत कम होता है। मतलब कॉमनली तो लो टेम्परेचर जो है वो आराम आराम से होता है और प्लांट्स को टाइम मिल जाता है कि वो सैचुरेटेड की बजाय क्या करें, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कर लें, तो फिर तो क्रिस्टलाइज नहीं होगी ना इनकी मेम्ब्रेन, फिर तो ये अपनी एक्टिविटीज़ जारी रख सकते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते तो सेल मेम्ब्रेन तो ब्लॉक हो जाती, वो तो कोई एक्टिविटी ना कर सकती, लेकिन अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की वजह से प्लांट्स की मेम्ब्रेन्स की फ्लूइडिटी सही रहेगी और वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल आराम से कर सकेंगे। सेल मेम्ब्रेन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, कुछ चीज़ों को अलाउ करती आना, कुछ चीज़ों को नहीं करती अलाउ आना। सो ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है वो मेम्ब्रेन के थ्रू ही तो होता है, तो अगर वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी तो फिर प्लांट्स क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। सो दिस वन इज़ फर्स्ट अडॉप्टेशन एंड फर्स्ट स्ट्रैटेजी that is acquired by plants to face low temperature, कम दर्जा हरारत को, freezing temperature को बर्दाश्त करने के लिए वो क्या करते हैं, unsaturated fatty acids की quantity अपनी membranes में ज़्यादा कर लेते हैं। ये थी जी first strategy। और है हमारे पास दूसरी strategy, दूसरी adaptation जो plants करते हैं वो है जी super cool mechanism। ये भी बड़ा interesting mechanism है, थोड़ी सी तवज्जो से सुनिएगा। देखें प्लांट्स जो है ना उनके पास एक सेल वॉल मौजूद है, प्लांट सेल के पास क्या होती है, सेल वॉल एंड अ लार्ज वैक्यूल एंड अ न्यूक्लियस दैट इज़ प्रेजेंट एट द पेरीफ्री। बहुत बड़े वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस कहाँ चला जाता है, पेरीफ्री पे चला जाता है। देखें अगर सेल वॉल के बाहर पानी फ्रीज हो जाए, लो टेम्परेचर जो है, मैं फ्रीजिंग टेम्परेचर की बात करूं जी, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, पानी जमना शुरू हो गया प्लांट्स के अंदर, तो अगर तो आइस फॉर्मेशन जो है वो सेल वॉल के बाहर हो तब वो प्लांट को डैमेज नहीं करती, प्लांट्स की एक्टिविटीज़ जो हैं वो रुक जाती हैं थोड़ी देर के लिए,
ताकि वो जो मौसम है वो गुजर जाए और प्लांट्स जो हैं वो दोबारा से रिकवर होकर अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना शुरू कर दें। तो अगर तो ये आइस फॉर्मेशन जो है वो सेल वॉल के बाहर होती है तो ये डैमेजिंग नहीं है, ये प्लांट सेल्स को डैमेज नहीं करेगी। लेकिन अगर ये आइस फॉर्मेशन साइटोसोल में हो जाती है, व्हाट इज साइटोसोल? साइटोसोल इज अ सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेनिंग वाटर। सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म जिसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, अगर साइटोसोल में जो है ना वो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो गई तो प्लांट सेल क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, कोई एक्टिविटी नहीं होगी उसमें और मौसम चेंज होने पर भी वो दोबारा रिकवर नहीं हो सकेगा। इस प्रोसेस से बचने के लिए कि इसका साइटोसोल जो है वो फ्रीज ना हो जाए, प्लांट्स के पास जो मैकेनिज्म पाया जाता है दैट इज़ सुपर कूल मैकेनिज्म। वो क्या करते हैं? सोल्यूट्स को यूज़ करते हैं, सोल्यूट्स की क्वांटिटी को यूज़ करते हैं। वो वाटर को क्या करते हैं? सेल वॉल के बाहर निकाल देते हैं और अपने वैक्यूल में और अपने साइटोसोल में सोल्यूट्स की मिकदार बढ़ा लेते हैं। सोल्यूट्स मीन सॉल्ट्स, शुगर्स। तो फॉर द टाइम बीइंग वो हार्श मौसम, वो सख्त सर्दी वाला मौसम गुजारने के लिए अंदर क्या करते हैं? सोल्यूट की कंसेंट्रेशन हाई कर लेते हैं और वाटर की कंसेंट्रेशन लो कर लेते हैं। अब देखें, पानी को फ्रीज़र में रखें तो वो जो है ना वो फ्रीज हो जाता है, वो आइस बन जाता है। लेकिन आप सॉल्ट लें एक ग्लास में, एक बीकर में, और आप उसे फ्रीज़र में रखें तो वो सॉल्ट ही रहेगा। चाहे आप जितने दिन रख लें, चाहे आप जितना मर्ज़ी जो है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर कर लें, वो सॉल्ट ही रहेगा। और आप शुगर को भी ऐसे करें तो भी वो शुगर ही रहेगी। इसका मतलब है कि सोल्यूट्स जो होते हैं ना वो फ्रीज़ नहीं होते, वाटर जो है वो फ्रीज़ हो जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या मैकेनिज़म हुआ कि पानी को सेल वॉल के बाहर निकाल दिया गया और सोल्यूट की कंसेंट्रेशन साइटोसोल में ज़्यादा कर ली गई ताकि प्लांट्स के सेल के साइटोसोल को आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन से बचाया जा सके। तो जितनी देर ये लो टेम्परेचर रहेगा, प्लांट्स जो होंगे सुपर कूल मैकेनिज़म को फॉलो करते रहेंगे। जैसे ही मौसम फेवरेबल होगा, जैसे ही टेम्परेचर फेवरेबल होगा, तो वो जो सेल वॉल के बाहर आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी और प्लांट्स जो है ना वो दोबारा से क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे, अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। तो देखें, लो टेम्परेचर में भी स्ट्रेटजीज़ हैं कि कम टेम्परेचर पर थर्मोरेगुलेशन प्लांट्स ने कैसे की और हाई टेम्परेचर में थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ क्या क्या थी प्लांट्स की। सो फर्दर लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी बुक से जो है आपने इस टॉपिक को याद करना है फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो फिर हीट शॉक प्रोटीन जो है वो सबसे ज़्यादा आता है क्वेश्चन, इसको जो है वो आप शॉर्ट के लिए ज़रूर याद करें। जी हमारे पास है जी पेज नंबर 16, जिसमें थर्मोरेगुलेशन का टॉपिक स्टार्ट होगा और उससे नेक्स्ट टॉपिक है अडॉप्टेशंस इन प्लांट्स टू लो एंड हाई टेम्परेचर। सो पहला जो है वो हाई टेम्परेचर है, उसकी तीन अडॉप्टेशंस हैं, और दूसरा जो है वो लो टेम्परेचर है। फर्स्ट पैराग्राफ में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स डिस्कस किए हुए हैं और सेकेंड पैराग्राफ में सुपर कूल मैकेनिज्म जो है वो डिस्कस किया हुआ है। सो आपने ये लर्न कर लेना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।